शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। अरे ये हाईवे तो इतना पास है और रात को हम सोचे थे कि कितनी दूर है। अरे भैया। हाँ जी। एक ग्लास चाय और एक ग्लास दूध लेके आना। अरे नेटवर्क है। हेलो। हेलो राज, बेटा मैं माँ बोल रही हूँ। माँ कैसी हैं आप? अरे ठीक नहीं हूँ मैं, कल से तुम लोग गए हो, एक फोन भी नहीं आया। हम दोनों इतना घबरा गए थे पता है। हाँ। माँ सॉरी, वो एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग ठीक है, रास्ते में ही है। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा दिया हुआ काम बहुत मुश्किल नहीं था, काफी आसान था। तुम कहना क्या चाहते हो?
मैंने प्रिंस की गाड़ी से ब्रेक वॉल निकाल ली। अभी कोई टेंशन वेंशन नहीं लेने का, समझो जो काम तुमने दिया था वो पूरा हो गया। नहीं, ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब तक तुम मुझे प्रिंस की लाश नहीं दिखाते हो, मेरे लिए ये काम पूरा नहीं हुआ है। ये काम पूरा कर देना और उसके बाद ही मुझे फोन करना। ये दुआ क्या है और ये स्मेल? Oh my God! रघु, महेश, अरे कोई सुन रहे हो? रघु, अरे ये क्या कर रही हैं आप? Please for God's sake, तुम्हारी ये मिडिल क्लास आदतें बंद कर दो। हीना, जेडी, this is too much. मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, ये धुआँ, ये गंदी स्मेल, I can't take it anymore. This is too much. कभी वो ऑयल की गंदी बदबू, तो कभी इस धुएँ की गंदी स्मेल, मैं और नहीं ले सकती हूँ। Please for God's sake, stop कर दो सारी चीजें। हीना, जिसे तुम धुआँ कहती हो ना, वो लोबान का धुआँ है। इससे घर की और घर के पूरे वातावरण की शुद्धि हो जाती है, समझी तुम? इस पूरे घर में सिर्फ आप ही बचे थे ये मिडिल क्लास वैल्यू की बात करने के लिए। इसमें मिडिल क्लास क्या है शीना? अगर घर में रोज सवेरे पूजा होती है तो ये तो अच्छी बात है ना? और भगवान तो सबके लिए है, भगवान अपर क्लास और मिडिल क्लास तो होते नहीं। कोई बात नहीं, और थोड़ी देर जो तमाशा करना है कर लो, बस प्रिंस की इस दुनिया से जाने की देर है और तुम सब लोग इस घर से जाओ। मजा आ गया, आलू के पराठे और उसके साथ मसाले वाली चाय। इट्स अमेजिंग। हमने भी स्वाद स्वाद में सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही खा लिया। ईट आलू के पराठे एंड ड्रिंक मसाले वाली चाय एंड बी हैप्पी। चलो आइए। क्या हुआ रानी, आप इतनी चुप क्यों हैं? आप जानते हैं बचपन में हम पापा को कहा करते थे कि आप ट्रैक्टर खरीद लीजिए। हमें ट्रैक्टर में बैठने का बहुत शौक है। तो फिर आपकी जिद पूरी हुई? किसी ने हमारी बात को सीरियसली लिया हो तब ना, सबने मजाक में उड़ा दिया। लेकिन मैं आपकी बात को सीरियसली ले रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि हम यहाँ से किशनगढ़ तक की दूरी ट्रैक्टर में तय करेंगे। प्रिंस आप बिना रानी, अगर आप हमारी जिंदगी में पहले आई होती तो मैं आपकी इच्छा तभी पूरी कर देता। एडवेंचर हॉलिडे पे आए तो एडवेंचर ही सही। गाड़ी
अब सारी बातें मुझ पर छोड़ दीजिए। हेलो मिस्टर रॉड्रिक्स, हाय दिस इज प्रिंस जय थापर हियर। मेरी गाड़ी MH060 5G20 ब्लू कलर की है, गोवा से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। आप अपने ड्राइवर को भिजवाकर ये गाड़ी अपने होटल तक पहुंचवा देंगे? थैंक यू सो मच। लीजिए, आपकी गाड़ी की चिंता तो पूरी हो गई, आइए अब आपकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। आइए। यूज़लेस। वैसे उसने प्रिंस की गाड़ी की ब्रेक्स तो फेल कर दी थी, पर तो पर प्रिंस अपनी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर पर गोवा जा रहा। ट्रैक्टर? हमने भी किस गधे को कम दे दिया। अब कोई गधा ये भी तो नहीं जानता ना कि प्रिंस हनीमून पे नहीं एडवेंचर हॉलिडे पे जा रहा, वो भी अपनी गाड़ी बीच सड़क पर छोड़कर ट्रैक्टर में जा रहा। वैसे उसने अपना काम कर दिया था, उसने ब्रेक्स फेल की थी, लेकिन कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। मेरा पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे सिर्फ एक ही न्यूज़ सुननी है, प्रिंस के मरने की न्यूज़। तुझा गोपन खेलो का शेताओ सोई मान तू काम बोला देण्यानी ने तोईला शेतानी मारानी तू तुझे उशार सोगल्या वाटानी मुझका पण रिगलाडानी नोमान नोमान तू का गोवा। आप तो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे आपको सब समझ में आ रहा है। हाँ तो आ रहे ना। कैसे, आप ये भाषा जानते हैं क्या? ऑफ कोर्स जानता हूँ। पर कैसे? वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड गोवा में था, उसी दिन सीखी है। अच्छा, तो फिर बताइए कि ये क्या गा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस गाने में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहे कि जब तुम अपनी आंखें खोलती हो तभी उजाला होता है, जब तुम अपने पैर किसी बंजर जमीन पर रखती हो तो वहां बाहर आ जाती है, वही बाहर तुम मेरी जिंदगी में लेके आई हो। कहते हैं कि मेरे जन्मों जन्मों का इंतजार अब खत्म हो गया,
अब जब तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो लौट के मत जाना। कितना अच्छा मतलब है ना। और वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ ये रास्ता कभी खत्म ना हो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा हाथ थाम कर इसी रास्ते पर चलता रहूं। और फूलों की बारिश दोनों तरफ होती रही। और वो कह रहा है कि हर जन्म में तुम ही मेरा साथ दे रहे हो। आपने हमें इतनी अच्छी तरह से इसका मतलब समझा दिया। गाना बहुत अच्छा है। ये हमारे गोवा के ब्यूटी का एप्रिसिएशन का गाना है मैडम। गोवा की ब्यूटी के बारे में? अच्छा, तो आप झूठ बोलना भी जानते हैं? नहीं नहीं, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप हमें कुछ बोलकर बताइए। बोलिए बोलिए। तुम प्रिंस शोभिता। इन्होंने क्या कहा? He says, आप बहुत खूबसूरत हैं। You are very beautiful. तू शोभिताई चे सोगल्या च्या स्मोगाचे तुझ्या गोपान खेळो काउडेताव। तुझेर खूब मोग करता। आय मीन ही लव्स यू टू मच। एनीवेज थैंक यू सो मच। या बाय, सी यू। बाय बाय। थैंक यू। Thank you. Thank you very much. Obrigado. Thank you. Thank you. Bye-bye. Have a good time. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Thank you so much. Nice, miss. Hello, sir. Sir, your room is ready. आपकी कार भी होटल पहुंच गई है और आपका लगेज आपके कमरे में पहुंचा दिया गया है। थैंक यू सो मच। मिस्टर थापर, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। क्या? हमारा जो ड्राइवर आपकी कार होटल में लेकर आया है उसका एक्सीडेंट होते होते बच गया। वो बता रहा था कि आपकी कार की ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम थे। आई मीन जो कार की ब्रेक्स फेल हो चुकी थी।